ये हम आज यहाँ पर बना रहे हैं मछली का सालन। तो ये मैंने एक बॉल में लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, नमक, गरम मसाला और दही ऐड करेंगे इसके अंदर और फिश को अच्छे से धो के इसमें ऐड कर देंगे। ये 200 ग्राम दही का पैकेट है, उसमें से मैंने ये थोड़ी सी दही ली है और ये थोड़ा सरसों का तेल। इस सबको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद मैंने ये तेल गरम होने रख दिया था कढ़ाई में सरसों का, और इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने फ़िश को शैलो फ्राई किया था, अलग कटोरी में मैं मसाला निकाल रही हूँ। इतने फ्राई हो रही है फिश, इतने मसाला निकाल लेते हैं। ये मैंने मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया और ये मेथी दाना और ये दो बड़े साइज़ की प्याज को मैंने ग्राइंड करके रखा है पेस्ट बना के, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये धनिया और ये दही। उधर फिश भी फ्राई हो गई है, इधर मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे फिश को निकाल लेंगे। बीच में मैंने एक बार अल्टा पलटी की थी और वो मेथी दाना मैंने डाला है उसमें। अब ये मेथी दाना होने के बाद में प्याज को ऐड करके प्याज अच्छे से भून ली थी। प्याज को भूनने के बाद में वो मसाला जो निकाल के रखा था वो सब मसाला मैंने इसमें ऐड कर। अब ये मसाला को अच्छे से भून लेंगे। उधर मेरी चाय भी बनती जा रही है, आज आँख देर से खुली सुबह को, तो सारे काम बहुत तेज़ी के साथ में करने पड़ रहे हैं। ये देखिए मसाला भी लगभग भून चुका है। इतने बैठ के हम अंदर चाय पियेंगे, इतने ये मसाला और अच्छे से भून जाएगा। हमारी चाय भी हो गई। इधर ये फिश मैंने डाल दी मसाला भूनने के बाद में, और इसे हम चम्मच से नहीं चलाएंगे, कहीं ये टूट ना जाए, तो इसलिए मैं ऐसे ही छुरी से उल्टा पलटी कर रही थी इसे। कुछ देर इसे मसाले में भूनने के बाद में मैंने पानी ऐड किया है। मैं शिरवे वाली मछली बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मछली के पीस नहीं खाते हैं, बड़ा वाला बेटा तो बिल्कुल नहीं खाता, तो वो शिरवे से ही लगा के खा लेंगे। एक साइड पे मैं चावल भी बना रही हूँ, चावल सादे उबाले। मैंने पानी रख दिया कुकर में, इतने पानी गर्म हो रहा था, इतने चावल धोकर ले आई, बस सादे सिंपल चावल उबाल रही हूँ। मछली के शिरवे के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं चावल, आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मछली का सालन हो चुका है रेडी। उधर मैंने रोटी भी तैयार कर ली। आज फैज़ान का खाना ज़्यादा जाना था टिफ़िन ऑफिस में, तो इसलिए बस बहुत तेज़ी के साथ में काम करना पड़ा। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है, आज तो मौसम भी पता नहीं कैसा हो रहा है। ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये चुटिल्ला कहते हैं इसको। ये काला चुटिल्ला था मेरा। अभी 2 महीने पहले तक मेरे पौधे इतने अच्छे, इतने खूबसूरत हो रहे थे कि मेरे को पौधों को नज़र से बचाने के लिए चुटिल्ला टांग रखा था मैंने। लेकिन ये देखिए क्या हालत कर दी मेरे पौधों की, चूहों ने और कबूतरों ने। ये देखिए आज सुबह 9 बजे कैसा मौसम हो रहा है ना, बारिश का मौसम हो रहा है। आइए आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये मेरी खिड़की में से दिखता है, दोनों साइड से ओपन है मेरा फ्लैट। वो उस साइड से था, ये खिड़की के साइड से, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। फैज़ान को तो जगा दिया मैंने, अब फटाफट से मैं फैज़ान के टिफ़िन पैक कर दूँ। ये फैज़ान और फैज़ के जाने के बाद में मैंने आज हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी है, बेटी की, तो वहाँ पे ये सूट दूँगी, तो बस इसको ही टाक रही थी। इसके साथ कुछ थोड़े कड़े रखे थे मेरे पास और सूट सेट रखा था, वो सब चीज़ें मैं कर रही हूँ शाम में आज देने के लिए। बेटियाँ देखते देखते कितनी बड़ी हो जाती है ना, पता भी नहीं लगता। बस अब मैं भी आज ये सूट टाकते टाकते मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी आज सामान की लिस्ट बनाती हूँ कि क्या क्या जहेज़ में सामान देना होता है। आज शाम में बैठकर इंशाल्लाह बनाऊँगी मैं भी लिस्ट, सामान कैसे कैसे करते हैं, क्या कैसे देना होता है, मतलब क्या क्या देना होता है। अभी दोपहर में तो आज मैं मंडी जाऊँगी, मंडी से थोड़ा घर का सामान लेकर आना। जो भी सामान लाऊंगी ना आपको दिखाऊंगी, कप नहीं है, कप टूट गए, डंडियां टूट जाती हैं, बर्तन धो उठा पटक में टूट जाती हैं, वो डंडियां टूट गई कप की, तो मुझे कप लेकर आने, कप लेकर आने हैं। घर का थोड़ा सा राशन का सामान लेकर आना है, तो आज मैं जो भी लेकर आऊँगी ना आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ।
ये देखिए, आप भी इसी तरीके से टाँगते हैं क्या सूट? आप मुझे कमेंट में बताइए ये देख के कि आप शादी में कहीं देना होता है या कोई शादी की तैयारी के लिए तो आप भी आप किस तरीके से टाँगते हैं। मैं तो ऐसे टाँगती हूँ ये बीच में अखबार लगा के, और फिर क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैंने अपनी शादी के सूट भी इसी तरीके से टाँगे थे। मैंने खुद ही अपने शादी के सूटों की तैयारी खुद ही मतलब पैकिंग खुद की थी अपने आप ही। मेरी मम्मी बेचारी बाहर के सारे काम निपटाती थी और जो ये पैकिंग वगैरह ये सब मैं खुद अपने आप करती थी। तो बस ऐसे ही मैंने करी थी तो अब ये भी आज कर रही हूँ इसको। आप भी इसी तरीके से करते हैं क्या? और इसके ऊपर मेरे पास चूड़ियाँ रखी हैं, कड़े हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, वो भी इसके साथ दूंगी। और एक सेट है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के बाद इसको हम दूर दूर इस तरीके से टाके लगा देंगे। वैसे तो आप पैकिंग हुए हुए ही आते हैं सूट, लेकिन ये मेरे पास घर में रखा था तो ये मैंने रखा हुआ सूट निकाला। बहुत अच्छा सूट है ये भी। ये देखिए, इस तरीके से दूर दूर टाके लगा देंगे ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। और बड़ी बड़ी पन्नी रहती है इसके साइज़ की, लेकिन वो पॉलीथीन मेरे पास है नहीं तो मैं ऐसे ही इसको इस तरह टाके लगा दूंगी ताकि ये भागे नहीं इधर उधर, कपड़ा खिसके नहीं। मेरी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ उसे लाइक करा करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करा करिए मेरी वीडियो को प्लीज़। आज की ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।